आपका अपने चैनल रामबाण क्लासेज में और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको जो संभाग है उनके बारे में बताया था और अपन राजस्थान के 6 संभाग कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे 7वें संभाग के बारे में। तो जो 7वें नंबर पे संभाग है उसकी अपन चर्चा करते हैं और संभाग है जोधपुर संभाग। तो इसमें वैसे मैंने 6 जो संभाग पढ़ा है उसमें शामिल जिलों के बारे में आपको बताया था और बचे हुए जिले वो किस संभाग में आएंगे, जोधपुर संभाग में। तो शामिल जिलों की बात करें अपन तो जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर पाली जालोर और सिरोही, ये जिले कौन से संभाग में शामिल है? तो आप बताओगे जोधपुर संभाग में शामिल है। जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर पाली जालोर और सिरोही जिला जोधपुर संभाग में शामिल है। तो कुल जिले कितने हैं इसमें? 6 कुल जिले। तो कितने हैं कुल जिले? 6। और इस संभाग के क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,17,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है किलोमीटर। तो यह था जोधपुर संभाग। शामिल जिले की बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर पाली जालोर और सिरोही जिला इस जोधपुर संभाग में शामिल है। कुल जिले कितने हैं? 6 जिले। क्षेत्रफल 1,17,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अब अपन चर्चा करने वाले हैं जोधपुर संभाग की विशेषताओं के बारे में। अभी मैंने आपको शामिल जिले और क्षेत्रफल के बारे में बताया है, अब अपन चर्चा करेंगे जोधपुर संभाग की विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताओं में बात करें अपन, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो आंसर आना चाहिए आपका जोधपुर संभाग। इसके पश्चात बात करें अपन शुष्क स्थान वाला संभाग भी कौन सा है? जोधपुर संभाग। उसके अलावा स्वर्ण नगरी वाला संभाग भी कौन सा है? स्वर्ण नगरी वाला संभाग भी कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा जोधपुर संभाग। स्वर्ण नगरी वाला संभाग या सुवर्ण नगरी वाला संभाग भी कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। उसके अलावा बात करें अपन अधात्मिक खनिजों, अधात्मिक खनिजों वाला संभाग, मैंने क्या बताया अधात्मिक खनिजों वाला संभाग भी कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। उसके अलावा ईंधन आधारित खनिजों वाला संभाग, कहने का मतलब यह है कि ऐसा संभाग है जहां पे पेट्रोल डीजल गैस वगैरह सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, शुष्क स्थान वाला संभाग है, स्वर्ण नगरी वाला संभाग है
और अधात्विक खनिज वाला संभाग भी कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। और ईंधन आधारित खनिज वाला संभाग भी कौन सा संभाग माना जाता है? जोधपुर संभाग माना जाता है। अब अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के विस्तार के बारे में, राजस्थान के विस्तार के बारे में अब अपन चर्चा करने वाले हैं अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से। तो मैं आपके सामने राजस्थान का ये मानचित्र बनाता हूं, जैसा भी बनेगा वैसे तो मेरी आर्ट बहुत कमजोर है लेकिन फिर भी अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये मैंने आपके सामने क्या बनाया, राजस्थान, क्या बनाया आपके सामने, राजस्थान। ये क्या है अपना, राजस्थान है। तो राजस्थान कहां से कहां तक फैला हुआ है इसकी अपन चर्चा करेंगे। ये बना दिया मैंने आपके सामने राजस्थान। तो पहले अक्षांश की बात करते हैं अपन, तो अक्षांश में 23 डिग्री 20 मिनट अपन चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं, राजस्थान के अक्षांश और देशांतरों की दृष्टि से विस्तार के बारे में। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में अपना ये राजस्थान फैला हुआ है। अगर राजस्थान का अक्षांश से विस्तार देखे तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में अपना ये राजस्थान फैला हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं अपन देशांतरों की दृष्टि से, तो 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ७८ डिग्री १७ मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में मध्य में अपना राजस्थान फैला हुआ है। अगर राजस्थान के अक्षांश विस्तार की बात करें अपन, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में अपना राजस्थान फैला हुआ है। फिर बात करें अपन देशांतर की, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में अपना ये राजस्थान फैला हुआ है। तो मैंने आपको राजस्थान की राजस्थान के अक्षांशों की दृष्टि से विस्तार के बारे में और देशांतरों की दृष्टि से विस्तार के बारे में बताया। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में अपना राजस्थान फैला हुआ है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में अपना ये राजस्थान फैला हुआ है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे राजस्थान में ये जो 33 जिले हैं इनमें से ऐसे कौन से विशेष जिले हैं जिनका आकार कैसा है उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में जैसे कि बात करें अपन करौली की, तो करौली का आकार कैसा है, ऐसे अपने जो ये जिले हैं राजस्थान के उन जिलों का आकार कैसा है उनके बारे में अब अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ जिला और यहाँ पे लिखूंगा मैं आपके सामने आकार, क्योंकि एक बार पूछा भी जा चुका है चित्तौड़गढ़ का आकार कैसा है, तो चित्तौड़गढ़ का आकार है घोड़े की नाल के जैसा, इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पे जिला और कौन से जिले का कैसा आकार है इसके बारे में आपको बताता हूं। तो अपन बात करें करौली के बारे में, करौली, तो करौली का आकार कैसा बताओगे,
या बथकाकार बताओगे आप? बथक नुमा, या आप बताओगे बथका कार? करोली का आकार कैसा है, बथक नुमा या बथकाकार है? उसके बाद में बात करेंगे अपन टोंक जिले की। टोंक का आकार कैसा है, तो टोंक का आकार आप बताओगे पतंगाकार, पतंगाकार, या बताओगे चतुर्भुजाकार। टोंक का आकार कैसा बताया, पतंगाकार या चतुर्भुजाकार टोंक का आकार है। अपन बात करें बाड़मेर की, बाड़मेर, तो बाड़मेर का आकार कैसा है आप बताओगे भारत जैसा, जैसा अपना इंडिया है, इंडिया नक्शे में कैसा दिखाई देता है, सेम टू सेम बाड़मेर का भी आकार कैसा है, भारत जैसा। तो बाड़मेर का आकार बताया मैंने आपको भारत जैसा। बात करें अपन चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़, अभी मैंने आपको बताया भी था, ये एग्जाम में आ चुका है चित्तौड़गढ़ का आकार कैसा है, तो घोड़े की नाल जैसा, घोड़े की नाल जैसा इस चित्तौड़गढ़ का आकार है। बात करें अपन जैसलमेर की, जैसलमेर, तो जैसलमेर का आकार बताओगे आप अनियमित, अनियमित बहुभुज, बहुभुज, जैसलमेर का आकार अनियमित बहुभुज है। भीलवाड़ा की बात करें अपन, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का आकार कैसा है, तो भीलवाड़ा का आकार बताओगे आप आयताकार, इस भीलवाड़ा का आकार है आयताकार, भीलवाड़ा का आकार है। बात करें अपन अजमेर की, अजमेर का आकार कैसा है, तो अजमेर में आप बताओगे त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, अजमेर का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। और बचे हुए हैं उनकी चर्चा अपन यहां पे करते हैं। तो बात करें अपन दोसा की, आठवें नंबर पे बात करें अपन, अभी यहां पे लिखता हूं मैं, आठवें नंबर पे बात करें अपन दोसा की, तो दोसा का आकार बताओगे आप धनुषाकार, दोसा का आकार कैसा बताओगे आप धनुषाकार, इस दोसा का आकार है। बात करें अपन जोधपुर की, बात करें अपन जोधपुर की, जोधपुर का आकार कैसा है, तो जोधपुर का आकार बताओगे आप मयूराकार, मयूराकार, उसके अलावा मयूराकार, उसके अलावा आप बता सकते हो क्या ऑस्ट्रेलिया के समान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के समान। जोधपुर का आकार कैसा बताओगे आप मयूराकार, या फिर बता सकते हो आप ऑस्ट्रेलिया के समान। सीकर का बताओगे, सीकर का आकार कैसा है, तो सीकर का आकार है प्याले के समान, या आप बता सकते हो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। तो मैंने आपको बताया राजस्थान के जो विशेष जिले हैं जिनका आकार कैसा है उसके बारे में मैंने आपको बताया, करौली का आकार बतकनुमा या बतकाकार है, टोंक का आकार पतंगाकार या फिर चतुर्भुजाकार है, बाड़मेर का आकार भारत जैसा है, चित्तौड़गढ़ का आकार घोड़े की नाल के जैसा है, और जैसलमेर का आकार अनियमित बहुभुज के जैसा है, भीलवाड़ा का आयताकार बताया मैंने आपको, अजमेर का त्रिभुजाकार, दोसा का धनुषाकार बताया मैंने आपको आकार, जोधपुर का बताया मयूर जैसा या फिर ऑस्ट्रेलिया के समान, और सीकर का बताया मैंने आपको प्याले के समान या फिर अर्ध चंद्राकार। तो अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में। यह था आपका पहला टॉपिक राजस्थान का सामान्य परिचय, और आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।